विंटर टूरिज्म और रूरल टूरिज्म और ट्रैकिंग यदि आपको करनी है तो चोपता देवरिया ताल का जो रूट है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से एक रास्ता ठीक जाता है सारी गांव को, और सारी गांव को गढ़ माना जाता है होम स्टे का। यहाँ जितने घर हैं उतने होम स्टे हैं, और यहाँ से ठीक 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चढ़ाई चढ़ के आपको एक खूबसूरत ताल मिलता है, देवरिया ताल। ये वही ताल है जहाँ पांडवों को यक्ष प्रश्न पूछे गए थे। आज भी उत्तराखंड में अगर बिगनर ट्रैक लोग करना चाहते हैं, फैमिली के साथ छोटा मोटा ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप ये चोपता वाली उखीमठ से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये डाइवर्जन है। एक रास्ता यहाँ से चोपता तुंगनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाता है, और एक रास्ता जाता है यहाँ से ठीक देवरिया ताल की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सारी गाँव में, और वहाँ हम सर्च करेंगे किसी बढ़िया होम स्टे को। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए गांवों में जो पहल हुई थी वो हुई थी होम स्टे की। और उत्तराखंड के बहुत सारे गांवों में ये जो योजना है इसका असर भी देखने को मिला। ऐसा ही एक गांव है सारी गांव, देवरिया ताल के बेस पॉइंट पे ये गांव पड़ता है, और इसमें बहुत सारे होम स्टे है, यानी कि होम स्टे की यहाँ पे बाढ़ है। हम आज आपको दिखाएंगे तिमला होम स्टे। तो तिमला होम स्टे कैसा है, कहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, कैसे इसके रूम हैं, क्या यहाँ से डेस्टिनेशंस हैं पास में, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए माउंटेन मस्केटियर में। सारी गांव से जैसे आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं रोड से, तो मुश्किल से जो है 20 मीटर की डिस्टेंस तय करके, और ये आ गया है तिमला होम स्टे। तिमला होम स्टे एक मड हाउस है, तिमला होम स्टे मड हाउस है वैसे एक, और इसमें 4 रूम हैं, 2 रूम ऊपर हैं 2 रूम नीचे हैं। रूम के भी 2 पार्ट्स हैं, एक रूम बाहर है एक अंदर की तरफ है। तो जो फैमिली है यदि 4 लोग हैं तो एक रूम में आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मतलब जो होम स्टे की जो फीलिंग आती है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उन्हीं के बगल पे इनकी फैमिली रहती है तो फैमिली से आप अटैचमेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। होम स्टे में क्या होता है कि जो लोकल जो चीज़ें होती हैं मैंने बताया आपको, चाहे वो साग सब्जी हो चाहे वो यहाँ के अनाज हो। ये देखिए आप, ये इस समय ये बेल्स हो रखे हैं, ये करेला मीठा करेला होता है, तो इसकी सब्जी सीजनल जो है इसकी सब्जी होती है। और यहाँ पे ठीक सामने माल्टा होते हैं, इस गांव में माल्टा बहुत ज़्यादा है, तो विंटर्स में आप आज तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। माल्टा यहाँ हर गांव में होता है, उत्तराखंड के लगभग लगभग हर गांव में माल्टा की खेती होती है। तो एक होम स्टे में रुकने के लिए आपको यही चीज़ें तो चाहिए। आप सुबह सुबह जाएँ, ताज़ी हवा खाएँ और वॉक करें, पेड़ों के बीच में चिड़ियों की आवाज़ सुनें, ये सारी चीज़ें एक होम स्टे के लिए परफेक्ट हो सकती हैं। सर प्रणाम, मेरा नाम दिलवर सिंह नेगी है, और मैं मेरा जी ये होम स्टे का ये तिमला मड हाउस के नाम से जाना जाता है,
और मड हाउस आप लोग जानते ही हैं कि मड हाउस का मतलब होता है मिट्टी का घर, तो मिट्टी का घर ये बना हुआ है। और 2019 से मैंने इसको प्रारंभ किया था। इससे पहले मैं जो ऐसे ही थोड़ा कंपनियों में काम करता था, और जब मैं वहाँ से घर आया तो मुझे कैलाश पुष्पाणी जी ने थोड़ा प्रेरित किया था, और कैलाश पुष्पाणी जी के प्रेरित होने के पश्चात मैंने ये जब कार्यक्रम शुरू किया अपना, ये बिजनेस वाला कार्यक्रम शुरू किया, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा बोलने की जो मेरे शैली होती है और जो अतिथि होते हैं अतिथि के साथ बातचीत करना, फिर उनको पहाड़ी कल्चर के बारे में बताना, फिर पहाड़ी फूड फल जो भी होते हैं उनको उनको खिलाना जो है वो अच्छा लगता है। तो लगता है कि बात करने के साथ साथ वो जनरेशन इनकम जनरेशन जो हमारी मिल रही थी वो हमको जो है वो बराबर मिल रही थी। और आज तक मैं अगर 2019 से आज तक अगर बात करूँ तो मुझे उस कंपनी के बजाय जो है इस पर जो है काम करना वो बहुत ही अच्छा लगा। गांव की जो परंपराएं हैं वो यूनिक बनाती है एक गांव को। अब हम आपको सारी गांव में दिखाते हैं कि जो गांव के प्योर जो पौराणिक लोकगीत हैं, यहां की जो महिलाएं हैं वो एक से एक बढ़ के हैं। पिछले साल आपने देखा होगा रामेश्वरी देवी भट्ट और गुड्डी देवी भट्ट का वीडियो, उनसे पूरा हमने वीडियो शूट किया था और आपने भी देखा होगा। और आज हम दोबारा आपको इस गांव के लोकगीतों की ओर ले चलते हैं, तो देखिए लोकगीतों को उत्तराखंड के। साथी भी जायो रे गीलो माधो सिंह लो माधो सिंह बारा एगी बावाली लो सिंह बारा एगी बावाली लो माधो सिंह लो माधो सिंह मेरो माधो कागई लो माधो सिंह मेरो माधो कागई लो माधो सिंह माधो सिंह मेरो माधो कहाँ गई लो माधो सिंह मेरो माधो कहाँ गई लो माधो सिंह जागदा जागदा लो माधो सिंह जागा जीजो मैं को जय जय बदरी नाथ जीजो मैं को जय जय बदरी नाथ जीजो मैं को जो मैं को पचना माध्यव तो जीजो मैं को पचना माध्यव तो जीजो मैं को जीजो मैं को बाबा बोले ना तो जीजो मैं को बाबा बोले ना तो जीजो मैं को जीजो मैं को ऊंचा कबीला सो जीजो मैं को ऊंचा कबीला सो जीजो मैं को जीजो मैं को कंचानी केला सो जीजो मैं को कंचानी केला सो जीजो मैं को
ब्लेज टूरिज्म में यदि आप रुके हैं तो होम स्टे का मजा तब दुगना हो जाता है जब ऐसी ओखली में कुटे हुए धान का चावल आपको मिल जाए, और गांव में ये जो बिल्कुल लोगों ने पशुपालन में गाय हैं भैंसे हैं उनका प्योर दूध आपको मिल जाए, और यहाँ का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, चाहे वो आलू है, चाहे यहाँ पे माल्टे हैं या साग सब्जियाँ हैं, उनको लोग तोड़ के आपको खिलाएं, तो उस ब्लेज टूरिज्म का मज़ा जस्ट डबल हो जाता है। ऐसा ही गांव है सारी गांव, यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है, आपको जो खाना मिलता है वो प्योर जैविक होता है। यदि आपने गांव की लाइफ को बहुत डीपली देखना है इस टाइप के होम स्टे में एक बार आप जरूर रुकें। तो सारी गांव में 50 से ज़्यादा होम स्टे हैं और होटल हैं जिनमें लग्जरियस भी हैं मिड रेंज भी हैं, लेकिन अगर आप एक रियल जो होम स्टे होता है जहां आपको घर की फीलिंग आए, पुराने जो हेरिटेज घर हैं वहां पे आप रुकना चाहते हैं, तो तिमला होम स्टे एक परफेक्ट चॉइस है सारी गांव में। तिमला वैसे एक पहाड़ी फल होता है जो रिच प्रोटीन्स और आयरन से भरपूर होता है, उसी के नाम से इन्होंने इस होम स्टे का नाम तिमला रखा है, और इसमें जो फीलिंग आती है रियल पहाड़ी घर जैसी, क्योंकि उसमें खोली है, ऊपर मकान पे पठाली लगी हुई है, अंदर वही गोबर और मिट्टी की लिपाई है, तो मिट्टी की जो सौंधी खुशबू और गाँव का जीवन अगर आप फील करना चाहते हैं तो सारी गांव में एक ये परफेक्ट होम स्टे हो सकता है तिमला होम स्टे। खोली के गणेश से हम तिमला होम स्टे पे प्रवेश कर रहे हैं, तो ये खोली का गणेश है। पारंपरिक भवन कैसे होते हैं उसकी एक वानगी आप तिमला होम स्टे में देखेंगे। अच्छे रूम हैं, दो सेट बनाए हुए हैं, और इन दो सेटों में पूरा वुडन स्टोन और जो मिट्टी का प्रयोग है, जैसे ये एक सेट है तो ये सेट पूरा फैमिली वाला सेट है, अगर चार पांच लोग हैं पूरी एक फैमिली है तो उनके लिए ये होम स्टे परफेक्ट है। चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज 800 रुपया पर पर्सन है, उसमें इंक्लूडिंग मील भी है। ये बाहर का रूम है, से यहाँ पर दो लोग सो सकते हैं अगर बच्चे हैं तो, एक खिड़की है और ये बाहर का नज़ारा, यहाँ से आप आराम से बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। जो ओनर है उन्होंने बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं की है अपने जो पारंपरिक मकान है, अपने पैतृक आवास से मिट्टी का प्रयोग है। ये अंदर का रूम है, बिल्कुल जनवरी और दिसंबर में तो ये बहुत ही वार्म रहेगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल पैक हो जाता है ये, तो हवा अंदर नहीं आती, तो जो लोग विंटर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं देवरिया ताल चोपता तुंगनाथ, उनके लिए तो एक परफेक्ट मड रूम है, मिट्टी बनी हुई है। और कल रात जब हम यहाँ रुके थे तो हमें भी इसका एहसास हुआ कि कितना गर्म लगा। तिमला होम स्टे में ये ठीक घर के बाहर ही बिल्कुल बाहर आके ये बाथरूम है, और इसमें भी गीजर वगैरह सब लगा हुआ है। घरों में जिस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं ऐसे ही बिल्कुल तिमला होम स्टे में भी है। तो यहाँ पे वेस्टर्न कमोड है। होम स्टे की सीरीज में सारी गांव का ये होम स्टे तिमला मड हाउस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं उत्तराखंड के किसी दूसरे होम स्टे में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।